डिग्रियां ना मिलने पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के तलबा का कैंपस पुल पर एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, जिना अस्पताल अंडरपास से मुस्लिम टाउन मोड़ तक बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें। लाहौर चैम्बर की एसोसिएट क्लास के इलेक्शन 8 नशस्तों पर पया, फाउंडर्स अलायंस और बिजनेसमैन फ्रंट के दरमियान मुकाबला, 9000 से ज्यादा वोटर्स हक्के राय दही इस्तेमाल करेंगे, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पया फाउंडर्स ने कारपोरेट क्लास के 7 नशस्तें जीत लीं। आशियान इकबाल हाउसिंग स्कैंडल, अहाचीमा एहतसाब अदालत में पेश, अहाचीमा पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। बिलाल कुदवाई, इम्तियाज हैदर और शाहिद शफी की भी आज पेशी। लाहौर में जेर जमीन पानी की सतह इंतहाई खतरनाक हद तक गिर चुकी, आने वाले वक्त में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। पानी की मुमकिन किल्लत, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज, एडवोकेट अजहर सदीक ने दरख्वास्त दायर की। NA 135 PTI के मलिक करामत अली की कामयाबी, हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के नाकाम उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर ने दायर की। NA 140 कसूर से PTI के सरदार तालिब नखई की कामयाबी को भी हाई कोर्ट में चैलेंज, नून लीग के उम्मीदवार राणा मोहम्मद हयात ने दरख्वास्त दायर की। ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज, उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। हेलमेट पहनना लाजमी, कोई नहीं होगी नरमी, हेलमेट इस्तेमाल ना करने पर 5000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों को भारी जुर्माने, माल रोड पर हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला ममनू, 32 मकामात पर बैरियर्स, पहले ही रोज माल रोड पर 1276 मोटरसाइकिल सवारों को चालान टिकट जारी।